हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरप्रीत कौर, मैं मोहाली तो हाँ, मेरी एज 31 ईयर्स। मैं बायोरेट्रिक सर्जरी बारे काफ़ी सालों तो सोचा सी, पर एक डर सी मन च कि पता नहीं किवें होएगा, दर्द होएगा, सारा सिस्टम, सारी लाइफ चेंज हो जूगी। बट आई वॉज रोंग, गलत सी गया है मेरा सोचना, क्योंकि डॉक्टर घर को आके ना, मतलब एक वखरा एनर्जी लेवल, एक पॉजिटिव वाइब जो मिली, जिन्हें मैनू सर्जरी लिए बड़ा एप्रीशिएशन मिली एक हिसाब दी, कि मैं मतलब सर्जरी लिए जावां, अपनी सर्जरी करावां, कोई ये प्रॉब्लम नहीं हैगी। आज मेरी सर्जरी नू 8 दिन हो गए ने एंड आई लॉस्ट 5 kgs। ए 5 kgs वाला जड़ा चा मैनु, मतलब आई एम क्लाउड एट 9 मैं वो दस नहीं सकती कि मैनू कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत डाइट प्लान्स लए, बहुत महंगिया डाइट्स लिया, बहुत बहुत पैसा वेस्ट किया, और वो 11 महीनिया 8 महीनिया कदे 5 किलो लूज होया, कदे 4 किलो, कदे 11 किलो, और वो छड़न तो बाद फिर डबल डबल मैं गेन किया। पर आज जो जड़ी खुशी मिल रही है ना, मैं डॉक्टर साहब दी पूरी टीम दी थैंकफुल हाँ। आई वॉज वेरी वेरी पैनिक एट द टाइम ऑफ अ सर्जरी, कि हाय पता नहीं किवें होगा, मैं इनू अगे मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं। सब तो ज़्यादा जोड़ा प्रेशर सीगा वो लिक्विड डाइट्स का सीगा, बट नहीं, कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हाँ, और एनर्जी लेवल इवें है कि जिमें मतलब कॉलेज टाइम होंदा सीगा। मैं इन्नी खुश हाँ, मैं सबनों यही कहूँगी कि इफ़ यू आर फेसिंग ओबेसिटी, तो प्लीज़ ये डरन वाली गल नहीं है, तुसी डॉक्टर गर्ग को ले आओ। डॉक्टर अमित गर्ग को ले कोई पेन नहीं होंगी पता नहीं बाकी हॉस्पिटल्स है कि नहीं है, पर गर्ग डॉक्टर गर्ग को ले पेन नहीं हैगी भी तुसी गो हाय मैनू बहुत पेन होंगी है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बहुत 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 खुश हाँ, क्योंकि 8 दिनों 5 किलो लूज होना मतलब मेरे लिए तो माउंटेन चढ़न के बराबर है, ये तो मैं कदे सोचा नहीं सी। तो थैंक यू सो मच। हेल्थ वाइज डिफरेंस ये आया कि जिवें मैं थक जाती सी, वो थकना नहीं है। मैं आफ्टर 4 डेज जो मैं गई हाँ डिस्चार्ज होके घर, उस दिन जाके 4th डे मैं सारे वास्ते डिनर बनाया सी, और मैंने लगता किचन च मैं 1.5 घंटा खड़ी होऊंगी रेगुलरली। मैंने कोई वो फील नहीं होया भी मेरी सर्जरी हुई है या मैं बैठ, इवन फैमिली मैंबर्स ये कह रहे थे कि यू हैव टू सिट, तू बैठ जा बैठ जा बैठ जा, पर मैंने ऐ नहीं लग रहा कि मेरी बड़ी सर्जरी करके मैं बहुत हुआ, इवन आई फील मोर एनर्जेटिक। मैनू वॉक करन च कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं वॉक रोज़ कर रही हूँ, और ईवन 1st floor to 2nd floor हौली हौली उतर रही हूँ जा रही, क्योंकि वी आर लिविंग इन 1st floor, तो मैनू आना जाना पैंदा अपने छोटे मोटे काम लिए, तो मैनू कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ पहला। सैटरडे मैं गई सी लांते, पहला इवें हुंदा सी कि एक दो जगह पर जाने तो बाद मैनू ऐ होना कि आई हैव टू सिट, और रियलिटी है कि ज़ारा जाके ना मतलब उन्होंने कोल बैठन का सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, और वो जिथे उन्होंने डिस्प्ले किए होंगे कपड़े उसके थले ना लकड़ का बोर्ड जहा बनया हुआ, मैं उत्थे बैठ जाती होंगी सी कि मैं इन्ना थक गई हाँ, पर हूँ तो मैं सारे घूम घूम के आई हाँ, मैनू कोई थकावट नहीं हुई, मैं लगता 2 किलोमीटर तो मैं चली होऊंगी, मैं कितने ये चीज़ फील नहीं की कि हाँ मतलब मैं वो लैवल का थकी हाँ। मैनू बिठाया इसलिए गया सीगा एक बार विच कि तू बैठ जा, तेरी सर्जरी हुई है, तेरी सर्जरी नू हले 3-4 दिन होए हैं, बैठ जा। बट वो जड़ी है ना एक वक्री एनर्जी, मतलब हुण मैं जिंदगी नू ओ हिसाब नाल वेख रही हाँ जिस हिसाब नाल वेखना मैं चाहिए सी, जिस हिसाब नाल नॉर्मल बंदा वेखदा जिहदा वेट बिल्कुल नॉर्मल है, कि हाँ मतलब हुण मॉल जाके मैं एक चीज़ फील की भी हाँ आफ्टर फ्यू मंथ्स आई कैन ऑलसो वेयर दैट। आज थोड़िया जी चीज़ा ने ये चीज़ा मेरे लिए भी, ये मेरे लिए भी होनी है 2-4 महीने बाद जो आई एम बैक टू नॉर्मल, तो मेरे लिए भी होनी है। हॉस्पिटल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा सी, क्योंकि वो मैं थक जाती सी, पर वो मैं डाइट देने नहीं थकते सी, मेरी हाले पहले 4 डाइट्स पी होंगे सी, वो फिर आ जाते कि मैम आपने अभी पहली नहीं ली, अभी फिर से लो कि इन्ना ज़्यादा केयरिंग हूँ करे तो आप ही करना होंगे, वो मैं सोचती हाँ वो 4-3 दिन मिस करती हूँ कि हूँ कोई नहीं, वो जबरदस्ती खवाते भी हाँ पियो 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 पियो। बाकी
लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज बट आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी ते थैंक यू सो मच सर दी सारी टीम दा थोड़ा सारिआं दा ते डॉक्टर साहब दा थैंक यू सो मच।